जिले के मौदा तालुका में बहने वाली सांड नदी को पार आने की वजह से सभी और पानी होने के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र के कर्मचारी रुग्ण सेवा देने पहुंचे। गांव के एक मरीज को ट्रैक्टर से नदी का पुल पार करवाकर तारसा आरोग्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया गया। डॉक्टर मोनाली, सुधा सिस्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर विजय हटवार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। तालुका के तरसा गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 15 गांवों का इलाज किया जाता है और कल से नदी में बाढ़ आ गई है, इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। कल दोपहर तारसा के पास स्थित एक गांव के युवक को सर्पदंश हुआ। एक आरोग्य कर्मचारी ने उस व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करते हुए व मानवता दिखाते हुए सांड नदी को बाढ़ आने के बावजूद पुल के ऊपर से ट्रैक्टर पर उपचार के लिए तारसा आरोग्य केंद्र पहुंचाया। तारसा आरोग्य केंद्र में उपचार कर उसे जिला रुग्णालय में दाखिल किया गया है। उक्त नागरिक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तारसा गांव में आने वाली सांड नदी के पुल को तत्काल ऊंचा किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने चिकित्सा सेवा व सरकारी अधिकार की मांग की है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।